बदलते मौसम के साथ शुरू हो जाती हैं कई सारी परेशानियाँ। खास तौर से अगर हम जॉइंट्स पेन की बात करें या फिर मसल पेन की बात करें, तो ठंड जैसे ही आती है ना, ये बढ़ जाते हैं। घुटने बहुत स्टिफ हो जाते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। खास तौर से जो लोग बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। या फिर अगर आपको कभी चोट लगी है पैर में, जॉइंट्स में, या फिर आपका लिगामेंट कभी टियर हुआ हो, या फिर कभी आपकी हड्डी फ्रैक्चर हुई हो, वो भी ठंड के मौसम में जैसी सर्दीली हवाएँ बहती हैं, जो उसका दर्द है, वो जो कहीं गुम सा हो गया होता है, वो एक बार फिर से उभर के आ जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, ठंडी सर्दी हवाओं से अपने आप को बचा के रखें, और हाँ, योगा ज़रूर करें, जिससे हमारे जॉइंट्स जो हैं वो मोबिलाइज भी रहें, वो थोड़े से मुलायम भी रहें, और चलने फिरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए कुछ ऐसे आसन के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। सबसे पहले योगासन का नाम है हस्ता उत्तनासना। अब इसमें हाथ और पूरी अपर बॉडी बहुत अच्छी तरीके से इंडल्ज रहती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, बॉडी अंदर से वार्म रहती है, और जॉइंट्स जो हैं वो भी मोबिलाइज होते हैं। और योगासन की सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि एक योगासन बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में कारगर है। तो इस एक एक्सरसाइज को, इस एक योगा आसन को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें, जिससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी इंगेज रहे। और हाँ, अपने आप के लिए आधा घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है इन सर्दियों के मौसम में, क्योंकि वैसे भी बाहर चलना फिरना, वॉक, ये सब तो बंद ही हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज से शुरुआत आप ज़रूर कर सकते हैं। दूसरे योगासन का नाम है अधोमुखा मर्जरी आसना। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्पाइंस हैं, जो कि ठंड में अकड़ जाते हैं, आपने देखा होगा बैक का पेन भी बढ़ जाता है, ऐसे में ये स्पाइन को मोबिलाइज करता है और पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारे स्पाइन सही तरीके से काम कर रहा है, तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से फिट एंड फाइन रहेगी इन सर्दियों में भी। अगले योगासन का नाम है सेतु बंधासना। एक तो इसका करना बहुत आसान है, इसमें आपकी पूरी बॉडी इंगेज रहती है, खासतौर से आपके शोल्डर्स, आपका स्पाइन बहुत अच्छी तरीके से इस पर स्ट्रेच होता है। फुल बॉडी स्ट्रेचिंग तो होती ही है, मसल्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में मदद करता है ये आसन, और साथ में ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करता है। और हम सब जानते हैं, अगर ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हेड टू टो अच्छा होगा, तो हमारी आधी बीमारियाँ तो यूं गायब हो जाएंगी। और ऐसे में इन सर्दियों में आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से वार्म भी रखने वाला है ये। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और योगासन है जिसका नाम है बालासन। बालासन करना भी बहुत आसान है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग यंग एज के हैं वही इसको कर सकते हैं। आप धीरे धीरे इसको ट्राई करना शुरू करें, आपकी पूरी बॉडी को एंगेज रखता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, और साथ में जॉइंट्स का पेन हो, स्पाइंस हो, शोल्डर हो, या फिर लोअर बैक में अगर आपको बहुत समस्या रहती है, सर्दियों में दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे भी आपको ये मुक्ति दिलाने में काफ़ी मदद करेगा। तो उसका फ़ायदा ये है कि हम सब इसको कर सकते हैं, तो क्यों ना इन सर्दियों में योगासन को अपनी लाइफ में शामिल कर लिया जाए।